फैशन इज व्हाट वी बाय एंड स्टाइल इज व्हाट वी डू विद इट. यस, वी आर हियर इन स्मार्ट सिटी लुधियाना टू शोकेस वन ऑफ द रेनाउंड फैशन डिजाइनर्स, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर्स ऑफ आवर सिटी, दैट इज द पारस डिजाइनर्स. तो चलिए हम आपको खास मुलाकात प्रोग्राम में मिलवाते हैं पारस डिजाइनर की ऑनर मिसेस जैस्मिन से और उनसे पूछते हैं उनकी इस फैशन जर्नी के बारे में. हेलो मैम, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी. हेलो, थैंक यू एंड वेलकम यू ऑल हियर. थैंक यू सो मच मैम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू आस्क यू कि आपका जो डिजाइनर हब है उसका नेम है पारस डिजाइनर्स, तो ये नाम आपको किसने सजेस्ट किया? फर्स्ट ब्रांच वी ओपन अप इन ब्रेडफोर्ड. So that branch was with the name of Paris. Now we have 7 branches throughout the world. Okay. And recently opening one more branch in Malaysia. So we will be having total 8 branches all over. Okay, and that's so good point. तो मैम कितने years हो गए आपको इस fashion line में आए हुए? It's almost 14 years. 14 years. तो मैम आपने कोई कोर्स किया हुआ है fashion designing का? Seriously, I have done nothing. It's all my passion, my dedication. I'm here today. तो मैम आपको किसी कोई तो आपको मोटिवेट किसी ने किया होगा तो इस लाइन में आप आए हैं और नाउ यू आर वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सनालिटी ऑफ लुधियाना एंड यू आर सेइंग दैट यू आर मोस्ट फेमस पर्सनालिटी अराउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो किसने मोटिवेट किया आपको इस फैशन डिजाइनिंग की लाइन में आने के लिए? माय मोटिवेशन वॉज माई हस्बैंड. बेसिकली वंस लाइक आई मेट माई हस्बैंड, ही वॉन्ट लाइक हिज वाइफ नीड टू बी वर्किंग. So with that I thought ki I need to work. So working I was just thinking what I can do. So laan paan da shauk bahut zyada si. So assi socha ki chalo innu hi badalne hai. So that's what education is not very important. Yes. So practical knowledge is very important. So that what I just choose inbuilt talent har ek de vich hunda jehda ki hidden hunda. ते वो इनबिल्ट नू निखार देगे एंड वन बिगेस्ट थिंग व्हाट आई डू व्हाइल आई डील विद द क्लाइंट्स यू नो आई मेक व्हाटएवर फॉर दैम. आई थिंक लाइक आई हैव टू वेयर दैट ड्रेस. इफ आई कैन वेयर इट आई कैन गिव इट टू माय क्लाइंट एंड दे थिंक दिस मच यू नो आई गिव देम दिस मच. सो दैट्स माय बिगेस्ट अचीवमेंट एंड नाउ इफ यू आस्क माय क्लाइंट्स दे विल जस्ट प्रेज अबाउट मी एंड नथिंग मोर आई कैन से अबाउट मी. मैम यू एंड योर हस्बैंड बोथ आर इन सेम प्रोफेशन, तो आप दोनों को इस लाइन में मतलब कैसे आप लोग एक दूसरे के साथ डील करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? इतना लार्ज स्केल का बिजनेस है आपका. आप कहने हैं कि इंडिया तो इंडिया ही है, फॉरन नहीं हो सकता. बट दैट इज द बेसिक द सेम थिंग फंडा इज हियर. जिदा आप कहने ना नाइट चे मैस हो जाना उन्होंने बाद चो आना, दैट्स द सेम थिंग गोइंग ऑन. सो वी डू हैव द ब्रांचेस लाइक आई एम हैंडलिंग द मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच, ही इज हैंडलिंग द मेन्स मैन्युफैक्चरिंग. सो जी मैन्युफैक्चरिंग है दैट इज हैंडल बाय संजीव एंड वुमेन आई एम हैंडलिंग इट. सो साडा कोई आपस चे मेल नहीं हुंदा, ओनली ऑन द शोज वी आर टूगेदर. ओके, ऑन हॉलीडे लाइक संडे और मंडे वी आर टूगेदर, अदरवाइज लाइक फॉरन वाली लाइफ भी है. वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी डेडिकेशन यू नीड इन दिस वर्क. मैम वी आर वॉचिंग सच ब्यूटिफुल अटायर्स इन योर डिजाइनर हब. तो मैम ये आप आपकी खुद की डिजाइनिंग है या आप किसी से कुछ कॉपी भी करते हैं? मुझे मैं कहूंगी मैं कॉपी नहीं कर दी, तुसी कहोगे नहीं या मजाक कर रही है, ये तो होता ही नहीं है. किसी ना किसी तो इन्फ्लुएंस तो होता ही है इंसान. बट नो व्हाट हैपेंस यू नो, मैं वाहेगुरु का नाम लैनी है. जो तो राती सोनी है ना मेनू कोई सुपने नहीं आते. सुपने कि आते कि वट आई हैव टू गिव द नैक्सट मॉर्निंग न्यू समथिंग न्यू एंड वो तुसी लगाओ एक वाहेगुरु का आशीर्वाद है जेड़ा हर ड्रेस में तुम्हें दिखेगा. एंड जदों मैं ड्रेस बनानी है जब तक मेरा दिल नहीं धड़कता, जब तक ये नहीं कहता कि वाओ यू हैव मेड सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस, मैं उसका पीछा नहीं छोड़ती. इन केस इफ यू आस्क माय वर्कर्स आई जस्ट टेल देम वन थिंग, अपना दिल कट के पा लो, जो धड़कना शुरू हो समझो ड्रेस रेडी है. वाओ दैट्स इट. मैम वी आर वॉचिंग लाइट कलर ड्रेसेस इन योर स्टूडियो लाइक वो अनियन कलर्स एंड वाइट कलर. तो ये आपको कैसे आपके माइंड में आया कि आपने इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि नेक्स्ट आप लाइट कलर्स को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? एक्चुअली इधर इसी मैं काफी शोज कर चुकी हूँ. फ्रॉम सो मेनी लास्ट ईयर्स वी हैव इंट्रोड्यूस ओनली ब्राइट कलर्स. सो मिस इंडिया दे विच जेड़ा सी जा रहे हैं 2018, दैट्स अ बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर अस. सो आई थॉट मैं रैंप की बड़ी नॉलेज लिखती, शोज कर करके एक रैंप की नॉलेज लिखती. जिन्ना लाइटर कलर उठता है ना रैंप पे एंड ग्लिटरी इज इन नाउ. सो दैट व्हाट आई हैव गिवन. ऑल पेस्टल कलर्स विल बी इंट्रोड्यूस इन 2019 ऑल्सो. वी आर नॉट डीलिंग विद द ब्राइट कलर्स, नॉट एट ऑल. इवन
the brides we are giving the lighter colors. As you told, you are going for Miss India 2018. So share your feelings. How are you feeling? It's such a great, a biggest opportunity of your life, I think. So how are you feeling right now? पता की हुंदा लाइफ दे विच टारगेट बनाना हुंदा है. इफ यू मेक अ टारगेट यू विल डेफिनेटली अचीव विद द डेडिकेशन. दैट व्हाट आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. डेडिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए हुंदी है. जेड़ा मिस इंडिया सीगा जो 2017 स्टार्ट होया, इफ यू आर माय फेसबुक फ्रेंड यू विल सी कि मैं हमेशा यही कहती रही कि जेड़ा 2018 चढ़ूगा एट द एंड मिस इंडिया तो अचीव करना ही करना. एंड आई वॉज जस्ट वर्किंग हार्ड फॉर दैट एक्चुअली. सो अगर तुसी कलेक्शन से भी देखोगे ना, इफ यू फोकस द कलेक्शन यू विल कम टू नो इट दिल धड़कान वाली कलेक्शन है. सो दैट व्हाट मिस इंडिया वास्ते आई नीड टू वर्क मोर हार्डर. रिसेंटली आई डिड मिस पंजाब 2018 ऑल्सो. दैट वॉज इवन अ वेरी गुड एंड वेरी सक्सेसफुल शो. सो यू कैन सी द ट्रॉफीज देयर. सो वो भी बहुत सोहना शो सी. पर मिस इंडिया का टारगेट हर कोई बंदा अचीव नहीं करता. सो इट इज अ बिग ड्रीम कम ट्रू. इट्स वेरी नाइस. विच टाइप ऑफ ड्रेसेज यू आर गोइंग टू मेक फॉर देम? मतलब गाउन्स और ट्रेडिशनल ड्रेसेज? विच टाइप ऑफ ड्रेसेज? ट्रेडिशनल तो आई इंट्रोड्यूस इन मिस पंजाब. जेड़ा हुन मिस इंडिया हैगा इहदे विच आई हैव गिवन ओनली एंड ओनली गाउन्स. वेस्टर्न गाउन्स, वेस्टर्न गाउन्स ही दिखेंगे तुहानू सारे. तो मैम आपके डिजाइनर स्टूडियो में और किस टाइप की ड्रेसेस हम देख सकते हैं? ट्रेडिशनल, एथनिक, वेस्टर्न, और आप हर कोई ड्रेस को आप फोकस करते हैं कि आपने हर कोई ड्रेस रेडी करनी है? वट एवर इज इम्पॉसिबल ब्रिंग टू मी, आई विल मेक इट. आई नेवर से नो टू एनीथिंग. एनीथिंग लाइक यू वांट फॉर मैन, यू वांट फॉर किड्स, यू वांट फॉर हनीमून, एनीथिंग आई एम देयर टू हेल्प यू ऑल आउट. That's so nice of you. You are dedicated so much to your work. तो मैम एक चीज और बताइए कि अभी जैसे आप being as a business woman, don't you feel difficult to manage home and business simultaneously? हाँ जी, difficulty तो होती है. It's not so easy. But कहते ना जब right management हो सब कुछ बहुत बढ़िया होता. So management चलती रही बस शुरू तो. So we have a joint family. They're looking after the family, kids, and I'm looking after the work. So it's the biggest support to my family too. Okay. Yeah. That's why I wanted to ask you कि family से आपको कितना support मिला? It's the biggest support. See, support दे नाल ही होता सब कुछ. अगर कोई भी इंसान जिंदगी दे विच कुछ हासिल करना चाहता, you need a support actually. It can be a support of your husband. It can be a support of your family. It can be a support of your friends also. So I thank all of them because अगर FB का मेरा देखा जाए they even support a lot. My FB friends, they always encourage me with my designing and all. I thankful to all of them. देख रहे थे वेडिंग सीजन आने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, तो ब्राइडल कलेक्शन आप किस टाइप की लॉन्च करने वाली है? जो ब्राइडल कलेक्शन है दैट्स लाइक आई एम इंट्रोड्यूसिंग ओनली द पेस्टल कलर्स. दैट्स माय चॉइस बेसिकली. वी डू लिसन द चॉइस ऑफ अ क्लाइंट ऑल्सो. ऐसे नहीं है कि हम कहते हैं कि नहीं यू हैव टू गो विद आवर चॉइस ऑल्सो. बट येस वट वी नो दे डोंट नो. सो हम एक सजेशन हमेशा उनको देते हैं कि इफ दे गो विद द पेस्टल. नाउ इट इज लाइक पेस्टल एंड ग्लिटरी थिंग्स आर इन. सो जैसे स्टोन्स हो गए, सीक्वेंस हो गई, ऑल दैट थिंग्स, द ग्लिटरी थिंग्स आर इन. दैट्स इट. आपने कभी ऐसा सोचा कि आप बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लिए भी आप कुछ डिजाइन करें, मुंबई जाके भी आप फोकस करें उनकी? बिकॉज आजकल तो आप जैसे हम देख ही रहे हैं, आप इतने फेमस हो चुके हैं ऑल अराउंड वर्ल्ड. तो कभी आपके माइंड में आया कि बॉलीवुड पर्सनैलिटीज के लिए भी आप ड्रेस डिजाइनिंग करें? बॉलीवुड का ऑलरेडी मैं डिजाइन कर चुकी हूँ. आई हैव ऑलरेडी डिजाइन फॉर बॉलीवुड. जेड़ा फर्स्ट मेरा टारगेट सी ओ सी भारती सिंह डॉक्टर चैलेंज वाले उन्हें वास्ते ड्रेसेस बनाई है. एंड करीना वास्ते आई हैव ऑलरेडी मेड. ओम जेड़ा हैगा थ्री इडियट से लड़का आई हैव मेड फॉर हिम. रुपिंदर हांडा एंड देन कॉर्बी लॉट अदर्स वी हैव डिजाइन फॉर देम टू. तो ये थे हमारे साथ गॉर्जियस एंड सुपर टैलेंटेड डिजाइनर मिसेस जैस्मिन, जिन्होंने हमसे शेयर किए फैशन के कुछ टिप्स. तो कम एंड बुक योर ऑर्डर्स, बुक योर ब्यूटीफुल अटायर्स फॉर योर वेडिंग्स, इवेंट्स, किटी पार्टीज एंड मैनी मोर. कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी.